हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं रोहतांग और ये हमारा मॉल रोड का व्यू है होटल से। सुबह सुबह का 6 बज रहे हैं इस टाइम और आप देख सकते हैं कितना मिस्ट और कितना क्लाउडी ये हो रहा है। पर क्योंकि हमें परमिट जो है मिल चुकी थी रोहतांग जाने के लिए, तो इसलिए हम इसको डिले नहीं कर सकते थे और हम चाह रहे हैं कि सुबह सुबह ही होके जल्दी से हम आ जाएँ ताकि हम बाकी की चीज़ें भी देख लें और एक्सप्लोर कर सकें टाइम से, इससे पहले कि और तेज़ बारिश हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे व्यू दिख रहा होगा। हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने होटल से और ये मॉल रोड के ही आगे का है थोड़ा सा व्यू और काफ़ी ग्रीनरी थी यहाँ पे, बहुत सुंदर व्यू था। लेकिन आप देख रहे हैं कि कभी भी एकदम से यहाँ पे धूप आती है और एकदम से ही इतने ज़्यादा क्लाउडीनेस हो जाती है। आपको ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स थे और हम क्लाउड्स के ऊपर थे। रोड्स काफ़ी नैरो हैं यहाँ की फ्रेंड्स, देखिए। तो थोड़ा सा ड्राइवर को जो है ना काफ़ी स्लोली और बहुत ध्यान से केयरफुली चलाना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये रोड इतने पतले पतले होते हैं कि जब टर्न होती है ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे तो शिवरिंग ही हो रही थी एक तरीके से, और जितना खूबसूरत नज़ारा लेकिन उतना ज़्यादा ही दिल में थोड़ा डर भी होता है ना, क्योंकि एक तो वैसे ही रेनी सीज़न है और बारिश जो है होनी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ का रोड भी आप देख सकते हैं गड्ढे गड्ढे से थे, और हमारी सेफ्टी भी एक चीज़ होती है। अब देखिए, रोहतांग जब आने लगता है ना तो इस तरीके के आपको जो है ग्रीन वाले हिल्स नहीं दिखेंगे। देखिए, ये स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से स्नो जो है चालू हो गई है दिखनी, लेकिन क्योंकि ये एंड की थोड़ी स्नो है तो ये काफ़ी डर्टी हो चुकी है। और इतना ट्रैफिक अभी नहीं था क्योंकि बारिश बहुत थी और अभी भी लगातार कंटिन्यूसली बारिश हो ही जा रही है, तो इसीलिए इतने टूरिस्ट वगैरह भी है नहीं। और सुबह का भी टाइम है तो शायद हो सकता है लेटर ऑफ द डे यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक आए। आप व्यू देख सकते हैं फ्रेंड्स, वैसे कुछ लोगों को यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन फील होता है लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ, जब आप थोड़ा भागोगे या चलोगे तो थोड़ा आपको लगेगा जैसे सांस उखड़ रहा है, लेकिन इतना सीरियस कुछ नहीं होता है। देखिए, ये बहुत स्नो स्लिपरी भी हो रही थी और ये पीछे के माउंटेन्स का जो व्यू था फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत हायर अल्टीट्यूड है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देख सकते हैं आप, स्नो और ऊपर से क्लाउड्स दोनों मिक्स होके इनका व्यू ऐसे आ रहा था। यहाँ छोटे छोटे से स्टॉल्स भी हैं जहाँ पे आप मैगी वगैरह ले सकते हो, चाय पानी ले सकते हो। मैगी यहाँ पे हमें 70 रुपीस की पड़ी थी। और ये देखिए फ्रेंड्स व्यू, थोड़ी सी अब जाके बारिश रुकी, हमने वेट करा तो ये देखिए थोड़े से यहाँ स्कैटर हो गए थे क्लाउड्स। ये थोड़ा सा खुला थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सूरज दिखाई दिया हमें, और धूप जो पड़ी है तो वो इतनी तेज़ लग रही थी जैसे बिल्कुल ही हम सूरज के पास खड़े हों। लेकिन फिर से वो क्लाउड्स आ गए थे तो फिर इतनी तेज़ धूप नहीं निकल पाई। आप देख सकते हैं थोड़ी स्नो कितनी डर्टी सी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि चल चल के लिफ्टर से और शूज़ से सारे ये सब गंदी हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इतना फ्रेश एयर मिलता है और आपको इतना रिफ़्रेश्ड फील होगा ना यहाँ के, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहाँ पे हो, आपकी लाइफ में कोई टेंशन भी है। आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ का व्यू देख के ना, बिल्कुल ये फुल लैंडस्केप लगता है फ्रेंड्स, जैसे आप सीनरीज वगैरह या वॉल पेपर्स में देखते हो। और ये स्टिल क्लाउड्स और उसके ऊपर ये स्कैटर्ड स्नोफॉल बहुत प्यारी लगती है हुई हुई। यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होनी स्टार्ट हो गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि मौसम थोड़ा सा खुल गया था, तो यहाँ पे स्कीइंग वगैरह और ये क्वाड बाइक वगैरह ये सब कर रहे थे वहाँ पे लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद भी चला सकते हैं या फिर आप पीछे भी बैठ के राइड का मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और बेटी बैठ के खुद ही चला रहे हैं, और बेटी को मेरे बहुत शौक़ है बर्फ़ में खेलने का, तो वो भी यहाँ के फुल मज़े ले रही है। लेकिन स्नो आपको दिख रही होगी कितनी मड़ी मड़ी सी फील हो रही है। यहाँ चढ़ाई पे चढ़ने के लिए फ्रेंड्स आपको इन्हीं का एक पर्टिकुलर सूट लेना होता है जो यहाँ पे रेंट पे भी मिल जाता है, और इन्हीं के शूज होते हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी स्लिपरी फील ना हो। अब देखिए फ्रेंड्स, जाते जाते भी यहाँ पे काफी टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गए थे।
मेरी बेटी को बहुत पसंद है स्नो में खेलना, तो ये उठा उठा के खेल रही है। लेकिन आप भूलिएगा नहीं कि आप इनका जो एक ट्रैक सूट होता है वो ज़रूर पहने, ताकि आपको किसी भी तरह की ठंड या फिर आपके कपड़े ना गंदे हों, और यहाँ बारिश भी हो रही थी तो इससे भी आपको ये प्रोटेक्शन रहती है। और व्यू पीछे का देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है। यहीं पे काफी शूटिंग्स हो चुकी हैं मूवीज की। अब फ्रेंड्स हमने सोचा काफी लेट हो रहा है, बारिश लग रहा था कि अब रुकेगी नहीं, हो ही जा रही थी, तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और निकलते निकलते आप देखिए व्यू कैसा हो रहा है, अभी भी बादल वहीं के वहीं हैं और कुछ स्कैटर नहीं हुआ, लेकिन बहुत खूबसूरत नज़ारा था। लोग तब भी आए हैं यहाँ पे, विजिट करा है, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है क्राउड नहीं थी जितनी कि यूजुअली होती है। कहीं कहीं पे जो है बादल फट गए थे, यानी कि स्कैटर हो गए थे, तो थोड़ा लग रहा था कि मौसम खुल जाएगा, लेकिन कंटिन्यूसली बारिश हो ही रही थी। वैसे फ्रेंड्स आप चाहें तो रेनी सीज़न में स्किप भी कर सकते हैं आना, लेकिन मुझे बहुत पसंद है रेनी सीज़न में किसी हिली एरिया को देखना, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसी टाइम पे आई हूँ। अगर यहाँ पे धूप होती तो वो धूप बहुत तेज़ लगने वाली थी फ्रेंड्स। आप ये देखिए यहाँ पे ट्रैफिक जैम भी होना स्टार्ट हो गया था, थोड़ी बारिश तेज़ी हो गई थी। ये देखिए, इसलिए आपको काफ़ी केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है, जो कि कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी टेंशन तो रहती है पूरे रास्ते कि हम आसानी से सेफली पहुंच जाएं अपनी डेस्टिनेशन तक, तो फॉर्चुनेटली हमारे साथ कुछ ऐसा सच नहीं हुआ। थोड़ा सा ही ट्रैफिक जैम हमें बस मिला था 5-10 मिनट का, उसके बाद रास्ता साफ हो गया था। लेकिन उसके बाद जब हम वहाँ आ गए हैं तब से कंटिन्यूस बारिश हुई है, तो रोहतांग को नेक्स्ट डे बंद कर दिया गया था, परमिट भी लोगों को नहीं मिल पाई थी। ये ज़रा स्टार्ट की थी बारिश तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आप देख सकते हैं ये बादल ही बादल हैं इतने ज़्यादा और बहुत ज़्यादा डेंस है, तो लग ही रहा था कि अब जो बारिश होगी तो वो रुकेगी नहीं। तो हम तो अपना सब कर चुके थे, इसलिए हमें इतनी टेंशन नहीं थी, हम अपना वापस जा ही रहे हैं। फ्रेंड्स है तो ये 70 किलोमीटर मॉल रोड से, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान से ड्राइव करना पड़ता है तो टाइम कम से कम 4-5 घंटे लग ही जाते हैं आपको अपने होटल में या मॉल रोड तक आने के लिए।